हीरक जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित इस समिट के माध्यम से मैं पूरे दैनिक जागरण परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। 8 मार्च 1942 से जो यात्रा दैनिक जागरण समूह ने देश के समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश के झांसी से शुरू की थी, देश के अंदर हिंदी के लोकप्रिय समाचार पत्र समूह में अपने इस 75 वर्ष के इस कालखंड के दौरान दैनिक जागरण ने अपनी एक नई पहचान बनाई है। मैं इस समूह से जुड़े हुए इस समूह के सभी पदाधिकारियों को, उनके सीएमडी, डायरेक्टर्स, संपादकगण, उन सबको एक लोकप्रिय हिंदी दैनिक के रूप में दैनिक जागरण को स्थापित करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं। दैनिक जागरण ये पिछले 25-30 वर्षों के इस विकास की यात्रा को मैंने बहुत नजदीक से देखा है और इसलिए भी मैं इस बात को महसूस करता था कि स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी से मेरे व्यक्तिगत संबंध थे। भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारत के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर जो शानदार लेखनी स्वर्गीय नरेंद्र मोहन जी ने की और दैनिक जागरण के स्तंभ लेखन और संपादकीय टिप्पणियों के माध्यम से उन्होंने जो ऊंचाइयां दी, देश के अंदर मध्य और उत्तर भारत में इस बात को लेकर के आम भारतीय का एक भावनात्मक रूप से इस पत्र समूह के साथ जुड़ाव हुआ। हमने वो कालखंड भी देखा है जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और उस कालखंड में भी दैनिक जागरण की भूमिका, व्यक्ति हो, समूह हो या संगठन हो, वह जिस रचनात्मक भूमिका के साथ कार्य करेगा उसकी उस रचनात्मक भूमिका का परिणाम भी उसके साथ उसी रचनात्मक रूप से सामने देखने को मिलेगा। अगर उत्तर भारत में और मध्य भारत में दैनिक जागरण को एक लोकप्रिय समाचार पत्र के रूप में लोगों ने स्वीकार्यता दी, इसके पीछे एक सकारात्मक लेखनी थी और समाज सकारात्मक सोच थी। 75 वर्ष दैनिक जागरण समूह ने अपने पूरे किए हैं और आज इस समिट के माध्यम से जब दैनिक जागरण का पूरा समूह यहां पर एकत्र है, उनसे जुड़े हुए उनके शुभचिंतक गण हैं, मित्रगण हैं, मैं इस अवसर पर पूरे समूह को हृदय से बधाई देता हूं।
और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज के दौर में जब विजुअल मीडिया आया था तो लोग कहते थे कि प्रिंट मीडिया का अस्तित्व बचेगा, और आज सोशल मीडिया जब और तेज हो चुका है तो विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया के सामने भी इस प्रकार की एक चुनौती है। समाचारों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता के साथ साथ समाज जीवन से जुड़े हुए, राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए जिन विभिन्न मुद्दों को हम लोग समय समय पर उठाएंगे, आम जन का जुड़ाव उस रूप में उस समूह के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मीडिया की इस रचनात्मक भूमिका की आवश्यकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी इसकी प्रासंगिकता इसी रूप में बनी रहेगी, क्योंकि दैनिक जागरण समूह का पहला पत्र प्रकाशन हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी से प्रारंभ हुआ था। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश देश के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज का हमारा भारत जिसमें उत्तर प्रदेश की अपनी एक भूमिका है, आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, भारत की समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है, देश की जो 7 पवित्र नदियां इस देश के अंदर लोग प्रातःकाल स्मरण करते हैं, उनमें पवित्र गंगा और यमुना उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर इनका है, और इनका पवित्र संगम भी प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश भगवान शिव की काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी मानी जाती है। देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में हम इसे मान सकते हैं, उत्तर प्रदेश में है। तो 7 पवित्र पुरियां हैं, उनमें से 3 उत्तर प्रदेश में हैं, अयोध्या भी, मथुरा भी और काशी भी। तो भगवान विश्वनाथ का काशी भी यूपी में है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में, और भगवान श्री कृष्ण मथुरा भी उत्तर प्रदेश में। भागवत का श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला वाचन भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ। अनेक शक्तिपीठों से जुड़ा हुआ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्रांति की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश रही है, और देश के स्वाधीनता समर के लिए भी एक बहुत बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश ने दिया है। उत्तर प्रदेश अपने अत्यंत उर्वरा भूमि के लिए, पर्याप्त जल संसाधन के लिए भी पूरे देश के अंदर जाना जाता है, और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के किसानों को
उचित अवसर दिए जाएं, उनके साथ नई तकनीक और उनको समय पर उनकी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, तो उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश की धरती अकेले पूरी दुनिया का पेट भरने का अन्न उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। हमें अपने अतीत को विस्मृत करके हम आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारा अतीत गौरवशाली क्षणों से हमें प्रेरणा प्राप्त करने और उस मार्ग का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। तो अतीत की गलतियों का परिमार्जन करने का अवसर हमारा वर्तमान होता है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में अनेक संभावनाएं छुपी हुई हैं। देश का और दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन कुंभ की भूमि भी उत्तर प्रदेश है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हजारों वर्षों की कुंभ की इस विरासत को देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण यूनेस्को ने उसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में पहली बार मान्यता दी। ये मान्यता इस बात को प्रमाणित करता है कि हमने अपने अतीत के गौरवशाली क्षणों पर कहीं ना कहीं उससे प्रेरणा प्राप्त की और उसके बारे में दुनिया के सामने उसको प्रस्तुत करने का एक रचनात्मक अभियान लिया। वह कुंभ जैसे आयोजन को दुनिया की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में प्रस्तुत करता है। अनेक आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलनों की भूमि भी उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के बारे में जो बात कही जाती है कि अगर उत्तर प्रदेश में चीजें सफल हैं तो मान के चलिए कि देश में चीजें अपने आप सफल हो जाएंगी। देश के अंदर विगत 4.5 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रत्येक क्षेत्र में एक नई प्रगति की है। लेकिन प्रश्न यही उठता था कि स्वच्छ भारत मिशन मैं पूरे देश के अंदर तो इसे हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या होगा? क्योंकि जब नेशनल कवरेज 44% था, उत्तर प्रदेश में 23% था। देश के अंदर जाति की राजनीति बहुत होती है। जाति के ठेकेदार चुनाव में उनकी आत्माएं बहुत जागृत हो जाती हैं, उठ खड़े होते हैं, सब अपनी अपनी बोलियां लगाते हैं। लेकिन वास्तव में इस देश के गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक बिना भेदभाव विकास की योजनाएं जा सकें, कोई कल्पना करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर आजादी के बाद से लेकर के 2015-16 तक कुल 13 राजकीय मेडिकल कॉलेज खुले थे और इस समय हम उत्तर प्रदेश के अंदर 15 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। जो लोग विकास की चर्चा करते हैं, एक बार उनसे पूछा जाना चाहिए कि 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में केवल 13 मेडिकल कॉलेज,
और पिछले 1.5-2 वर्ष के दौरान 15 नए मेडिकल कॉलेज उसी उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 2012 से लेकर 2017 के बीच गरीबों के, वंचितों के कुल 63,000 आवास बने थे और 1.5 वर्ष में हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 11 लाख परिवारों को आवास, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराए हैं। इस देश के गरीबों के घर में भी बिजली का बल्ब जल सके, एक कल्पना थी, लोग बोलते भी नहीं थे। मैं जानता हूं जब सांसद में बना था तो सांसद बनने के बाद मेरे पास सबसे ज्यादा मांग होती थी कि हमारे गांव में भी बिजली लगा दी जाए। गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का एक गांव था तो पहला चुनाव जब मैं लड़ा था तो उस समय हमें केवल मुझे वहां 3 वोट मिले थे। उस गांव में लगभग 950 के मतदाताओं में से 3 वोट मुझे मिले थे। तो चुनाव के बाद मैं सबसे पहले उसी गांव में गया। मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा भी गांव में मुझे केवल 3 ही वोट मिले, तो लोगों ने कहा कि देखिए हम आपको बहुत जानते नहीं थे, पहले बड़े महाराज जी चुनाव लड़ते थे तो हम लोग उनका साथ देते थे, आपसे बहुत परिचय नहीं था और इसलिए हम लोगों ने केवल एक परिवार था, ब्राह्मीण परिवार था, एक मंदिर से जुड़ा हुआ था, उसी परिवार के 3 वोट मुझे मिले थे। तो मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भी आपके यहां कोई विकास का कार्य, कहा साहब किस मुंह से हम विकास के कार्य की बात करें, हमने तो वोट ही नहीं दिया है। मैंने कहा 3 वोट तो मिले हैं ना, ये मान के चलिए कि यही 3 वोट आगे बढ़ेंगे फिर बाद में। उन्होंने कहा हमारे गांव में बिजली नहीं है और वहां के लिए बिजली लाने के लिए लगभग 10 किलोमीटर लंबी लाइन जानी थी। मैंने 98 में पावर कॉर्पोरेशन से कहा, मैंने कहा एस्टिमेट बनाओ, एक सांसद के क्षेत्र में, एक संसदीय क्षेत्र में लगभग 1500 से लेकर 2000 तक ग्राम पंचायतें आती हैं। एस्टिमेट जब मेरे पास आया तो लगभग 10 लाख का आया। एक सांसद को केवल 2 करोड़ रुपए मिलते थे एक साल में। बहुत सारे लोगों ने कहा कि 10 लाख एक गांव को दे देंगे तो बाकी गांव क्या करेंगे और लोगों में आक्रोश होगा। मैंने कहा देखिए उनकी आवश्यकता है, मिलना चाहिए। हम लोग तरसते थे कि एक गांव के विद्युतीकरण का पैसा कहीं से मिल जाए। हमने विद्युतीकरण का कार्य पूरा कराया, वहां कार्य पूरा करने के बाद लोगों में कितनी खुशी थी। जब उसके बाद मैं अगला चुनाव लड़ा था तो गांव का टोटल वोट 950 वोट मुझे पोल हुआ था। एक सकारात्मक सोच व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ा सकती है। आज पहली बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से और बाद में सौभाग्य योजना के माध्यम से इस बात की घोषणा की कि देश के अंदर हर गांव में बिजली पहुंचनी चाहिए। जंगलों के बीच में जहां पर लोग रह रहे हैं, जहां पर आप ट्रांसमिशन की लाइन नहीं बिछा सकते, वहां पर सोलर प्लांट लगाइए, लेकिन बिजली दीजिए लोगों को, उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन होगा, उनकी सोच में बदलाव होगा, एक विकास की सोच उनके अंदर पैदा होगी। उत्तर प्रदेश में देश के अंदर 4 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास अपना विद्युत का कनेक्शन नहीं था और उसमें से 2 करोड़ उत्तर प्रदेश के थे। उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने शासन किया है और जो विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं उनसे पूछा जाना चाहिए, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ परिवारों में से 2 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश के थे जिनके पास विद्युत के कनेक्शन नहीं थे। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 30 दिसंबर तक हम इन सभी 2 करोड़ परिवारों को विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करा चुके होंगे।
स्वच्छ भारत मिशन में पूरे देश के अंदर लगभग 12 करोड़ परिवार थे जिनके पास अपने टॉयलेट नहीं थे, उसमें एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की थी। और जब हम लोग आए सत्ता में तो उस समय 1,94,00,000 परिवार ऐसे थे उत्तर प्रदेश के अंदर जिनके पास अपना टॉयलेट यूपी के अंदर नहीं थे। और आज स्वच्छ भारत मिशन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि 30 दिसंबर तक उत्तर प्रदेश में बेसलाइन सर्वे के अनुसार इन 1,94,00,000 सभी परिवारों के पास अपने टॉयलेट होंगे। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम व्यापक परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक बात है, लोग टिप्पणियां करेंगे और अच्छे कार्य में बाधाएं आएंगे, क्योंकि अगर हमें मान के चलते हैं कि हम जो कार्य करें हमारे सभी शुभचिंतक होंगे, सभी हित मित्र होंगे, ये हमारी भूल है। हमें मान के चलना चाहिए कि आधे ही समर्थक होंगे, आधे न्यूट्रल होंगे, आधे विरोधी भी होंगे, और होना भी चाहिए। स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है सबको अपनी बात बोलने का, और विरोध के रूप में कुछ बकबक करने का भी अधिकार होना चाहिए। हम लोगों ने कभी भी इस बात को नहीं किया। उत्तर प्रदेश में भी ये चीजें थी। उत्तर प्रदेश का खाद्यान्न घोटाला, गरीबों को पीडीएस के माध्यम से जो खाद्यान्न मिलना चाहिए था नहीं मिल पाता था, गरीब के नाम पे निकलता था, कहीं और बिक जाता था। 19 मार्च 2017 को सत्ता संभालने के तत्काल बाद मैंने एक आदेश किया था कि वे उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात की जांच की जाए कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, और कितने ऐसे राशन कार्ड हैं जो फर्जी बने हुए हैं। आप आश्चर्य करेंगे, 30 लाख फर्जी राशन कार्ड थे उत्तर प्रदेश के अंदर। लाभार्थी को नहीं जानकारी है लेकिन उसके नाम पे राशन निकलता था। हम लोगों ने उन सबको राशन कार्ड उपलब्ध कराए। आज के दिन पर हम लोग 3.5 करोड़ परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड उपलब्ध कराए हैं, जिसमें हर परिवार को 2 रुपये किलो चावल और 3 रुपये किलो गेहूं हम लोग उपलब्ध कराते हैं। लेकिन ये खाद्यान्न चोरी रुके भी, 80,000 राशन की दुकानें हैं यूपी के अंदर, उन 80,000 दुकानों पर ई पॉस मशीन लगाकर आधार को राशन कार्ड से जोड़ करके हमने इस प्रत्येक लाभार्थी को, प्रत्येक उपभोक्ता को इस बात की स्वतंत्रता दी है कि आप किसी भी राशन की दुकान में जाकर के अपना खाद्यान्न उठा ले सकते हैं, और पूरी व्यवस्था ऑनलाइन की। आप आश्चर्य करेंगे, हर लाभार्थी समय पे खाद्यान्न पा रहा है, और लगभग 1200 करोड़ रुपए का सालाना बचत इससे सरकार को प्रदेश के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम राजस्व की बचत भी कर सकते हैं और लाभार्थी को उसकी योजना का लाभ दे सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ऊर्जा की बचत की दृष्टि एलईडी बल्ब और एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए एक बृहद अभियान को लिया था। बहुत सार्थक और बहुत रचनात्मक अभियान था। इस अभियान का परिणाम रहा, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 8,00,000 स्ट्रीट लाइट बदले, लगभग 250 करोड़ रुपए की राजस्व की बचत हमारी नगर निकायों को इसके माध्यम से होता है। 2 करोड़ परिवारों में एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाए गए, उस परिवार का बिजली का बिल कम हुआ है, उसके जीवन में व्यापक परिवर्तन इसके माध्यम से।
सरकारें चाहें तो आम जन के जीवन में व्यापक परिवर्तन हो सकता है, लेकिन इसके लिए केवल घोषणाएं नहीं, नारे नहीं, बल्कि एक रचनात्मक सकारात्मक सोच के साथ कार्य करना होगा। और उस रचनात्मक और सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने के परिणाम भी आपके सामने उसी रूप में आते हुए दिखाई देंगे जो आज देश के अंदर व्यापक रूप में आगे बढ़ने की दिशा में मिल रहे हैं। और मुझे लगता है जब किसी गरीब को आवास मिलता है, जब किसी गरीब के घर में रसोई गैस का चूल्हा जलता है, जब किसी गरीब के घर में, किसी गरीब की झोपड़ी में बिजली का बल्ब जलता हुआ दिखाई दे रहा है, जब किसी गरीब के घर में न केवल उसके स्वास्थ्य की दृष्टि से भी तो नारी गरिमा की दृष्टि भी एक टॉयलेट उस परिवार को मिल जाता है और उसके सम्मान की रक्षा होती है, जब किसी नौजवान को एक मंच देकर के उसके हुनर को हम कहीं सम्मानित करते हैं, उसको एक मंच देते हैं, उसकी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, ये सारे के सारे कार्य हम सब के लिए, और मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो राम राज्य की अवधारणा को ही साकार करने जैसा होता है। और मुझे लगता है कि हमने इसको इसी रूप में लिया भी है। राजनीति हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, एक सेवा का साधन है। मैं जानता हूं प्रशांत जी इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि धर्म और राजनीति में अंतर क्या है, और इसलिए मैं इसके बारे में बोल देना चाहता हूं कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के ही पर्याय हैं, अलग नहीं है। धर्म को हम केवल पूजा पद्धति तक सीमित न रखें, धर्म एक शाश्वत व्यवस्था है जो हमें नैतिक मूल्यों से जोड़ता है, सदाचार से जोड़ता है, हमारे कर्तव्यों के साथ हमें जोड़ने के लिए प्रेरित करता है, उसकी प्रेरणा प्रदान करता है। और अगर मैं कहूं धर्म और राजनीति ये इसी दूसरे के पूरक इसी रूप में है, एक को राजनीति या दीर्घकालीन धर्म है और धर्म एक अल्पकालीन राजनीति भी है। धर्म की व्यवस्था में जब जड़ता आएगी, कोई पाखंड घुसेगा, उसके परमार्जन के लिए राजनीति आवश्यक है, लेकिन जब राजनीति में अनैतिकता, भ्रष्टाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार ये सब हावी होंगे तो धर्म की शाश्वत व्यवस्था का उसके ऊपर प्रहरा भी बहुत आवश्यक है। और इसलिए इन दोनों को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है, वह आज के दिन पर आवश्यक है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हम लोग इसीलिए अपनी विरासत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। कुंभ का आयोजन है 2019 में, और कुंभ के आयोजन के माध्यम से हम भारत की विरासत को आने वाली पीढ़ी के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और दुनिया के सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो, इतना बड़ा आयोजन बिना किसी निमंत्रण के 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुजन एक साथ एक जगह एकत्र होंगे, सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक चलती हुई दिखाई देगी, सब कुछ ऑटो मोड में होगा, कुछ भी अलग से व्यवस्था, केवल प्रशासन तो मौन बन करके इन सब कार्यों में अपनी सहमति देता है, बाकी वहां की व्यवस्था प्रकृति स्वयं संचालित करती है, परमात्मा की कृपा से स्वयं संचालित होती हुई दिखाई देती है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश को करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है 2019 में मकर संक्रांति के दिन से शिवरात्रि तक। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा से उत्तर प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस भी इस वर्ष उत्तर प्रदेश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश ने इस दौरान कुछ कार्य अपने अलग भी किए हैं। खासतौर पर
अयोध्या का नाम लेने पर बहुत सारे लोगों पर करंट लगता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस मंच से जब मैं बोल रहा हूं तो दैनिक जागरण समूह अयोध्या के आंदोलन से बहुत नजदीक से जुड़ा रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से हमने अयोध्या को उसकी पहचान दिलाने का प्रयास किया है। दीपावली का आयोजन ही हम करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में। अयोध्या में नदारद थी, हमने इस कार्य को एक नई ऊंचाइयां दी, वहां के पूज्य धर्माचार्यों के साथ मिलकर के, वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के। विगत वर्ष भी किया था, इस वर्ष भी किया, और इस वर्ष हम लोगों ने अयोध्या से जुड़े हुए दुनिया के यहां पे लोगों के सामने अपनी बातें होती, यहां पे लोग अपने अनुसार किसी चीज की विवेचना कर सकते हैं, लेकिन दुनिया ने राम को किस रूप में पूजा है, किस रूप में मान्यता दी है, अयोध्या का महत्व दुनिया के सामने किस रूप में है, अगर हमने कभी इसको जानने का प्रयास किया होता तो इस देश के उन कथित सो कॉल्ड सेकुलरिस्टों को राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने का मौका नहीं मिलता अगर उन्हें अपनी संस्कृति अपनी विरासत के बारे में जानकारी होती तो। विगत वर्ष भी जब मैं देख रहा था अयोध्या के दीपोत्सव के कार्यक्रम में, हम लोगों ने 6 देशों की रामलीलाओं को बुलाया था कि उन देशों में भी रामलीलाएं कहां कहां रामलीला होती है इसको भी बुलाओ। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश, इस्लाम को मानने वाला देश, उसकी भी रामलीला आई थी, सभी पात्र मुस्लिम थे। श्रीलंका से आई थी रामलीला, लाओस से आई थी, थाईलैंड से, कंबोडिया से, ये सभी देश, 4 देशों की रामलीलाएं इस बार भी आई थी। राम के साथ किस प्रकार का भावनात्मक रिश्ता दुनिया का है, इस बार साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी हमारे दीपोत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या पधारी थी, कितना भावनात्मक लगाव है उन लोगों का अयोध्या के साथ। साउथ कोरिया का मानना है कि आज से 2000 वर्ष पहले अयोध्या की राजकुमारी कोरिया गई थी, वहां के राजा से विवाह बंधन में बंध गई थी और हम सब उसी की संतान हैं। इस बात पर गौरव की अनुभूति कोरिया कर सकता है क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति है। हम राम की विरासत पर गौरव की अनुभूति क्यों नहीं कर सकते? आप थाईलैंड में जाइए, थाईलैंड की पूरी परंपरा अपने आप को राम की विरासत के साथ जोड़ती है। अपने नेशनल हाईवे के नाम उन्होंने राम के नाम पर किए, राम 1, राम 2, राम 3, ऐसा। वहां के राजा ने अपने ग्रैंड पैलेस को रामायण को दान कर दिया। इंडोनेशिया की पूरी व्यवस्था आप जाके देख सकते हैं। दुनिया के अंदर दर्जनों ऐसे देश हैं जिन्होंने राम की विरासत को स्वीकार किया है।